नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 जुलाई 2020 को भारत ने एक और इतिहास रच दिया। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रीवा सोलर प्लांट को राष्ट्र के नाम कर दिया है, जिसके बाद यह सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टेइक सोलर प्लांट बन गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रीवा सोलर प्लांट के बारे में और साथ ही में जानेंगे सोलर पावर क्या होता है, यह काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या हैं, और भी ऐसी जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सोलर पावर का मतलब होता है सौर शक्ति। इसमें सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। वैसे तो सौर शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन तीन तरीकों से किया जा सकता है। पहला, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के जरिए, जिसमें सूरज की किरणों से सीधा बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, जिसमें एक बड़ी जगह में बहुत सारे मिरर्स या लेंसेज को लगा दिया जाता है, जिसके बाद सूरज की किरणें मिरर या लेंसेज पे इकट्ठा होने लगती है। इकट्ठा हुई सूरज की किरणें ऊष्मा में तब्दील होने लगती हैं और उस ऊष्मा को ऊष्मा इंजन में डाला जाता है, जिसके अंदर स्टीम टरबाइन होती है और उस स्टीम टरबाइन से एक बिजली जनरेटर जुड़ा होता है जो बिजली को पैदा करता है। तीसरा तरीका होता है फोटोवोल्टेइक कंसंट्रेटेड सोलर पावर का एक साथ इस्तेमाल करना। इन तीनों में से सबसे ज्यादा फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के बारे में। फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल से बना होता है। ये फोटोवोल्टेइक सेल सूरज की किरणों में से फोटोन का ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करके बिजली को पैदा करते हैं। बहुत सारे पीवी सेल्स मिलके बनाते हैं पीवी मॉड्यूल को, बहुत सारे पीवी मॉड्यूल मिलके बनाते हैं पीवी पैनल्स को, बहुत सारे पीवी पैनल्स मिलके बनाते हैं एरे को। वैसे तो एक मॉड्यूल थोड़ी सी ही बिजली पैदा कर सकता है, इसलिए ज्यादा बिजली के लिए बहुत सारे मॉड्यूल को एक साथ लगाया जाता है और उसे ही हम कहते हैं सोलर प्लांट। सोलर मॉड्यूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोलर मॉड्यूल एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, इनके पार्ट्स को 95% तक रिसाइकिल किया जा सकता है। रीवा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है। यह सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट है। यह पावर प्लांट लगभग 750 मेगावाट की बिजली को पैदा करेगा, जिसमें से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दे दी जाएगी और बाकी की 76% बिजली मध्य प्रदेश की राज्य बिजली कंपनियों को दे दी जाएगी। इस सोलर प्लांट के क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 1590 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 250 मेगावाट के तीन प्लांट लगाए गए हैं। भविष्य की ओर देखें, अभी से सभी देशों ने सौर ऊर्जा की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी के चलते भारतीय रेलवे ने 14 जुलाई 2017 को पहली सोलर पावर ट्रेन को शुरू कर दिया था। यह सोलर पावर ट्रेन दिल्ली से हरियाणा के बीच में चलाई जाती है, जिसके अंदर 6 डब्बों में 16 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसकी मदद से यह ट्रेन 72 घंटों तक बैटरी पर चल सकती है। ये पूरी दुनिया में पहली बार है जब एक सोलर पावर की मदद से ट्रेन को चलाया गया है। 2050 तक बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, जिसमें भारत और चाइना दौड़ में सबसे आगे होंगे।